सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लेकिन जीडी बख्शी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जीडी बख्शी जी, इसका भारत के लिए क्या असर है, भारत के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है कि ISI चीफ वहां जा रहे हैं, पाकिस्तान लगातार पूरा दखल है पाकिस्तान का तालिबान की नई बनने वाली सरकार में भी और अफगानिस्तान में भी। देखिए, मैं आपकी चैनल के जरिए कुछ बहुत अहम खबरें मैं शेयर करना चाहता हूं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं मैं आपको। जी, पाकिस्तान के मेजर जनरल अदिल रहमानी SSG ग्रुप कमांडर, उनकी दो SSG पलटने इस वक्त पंजशीर के हमले में सबसे आगे हैं। उनके साथ एक स्क्वाड्रन टैंक पाकिस्तान की फौज का, एक बैटरी 155mm मीडियम गन्स, 4 यूए कोबरा हेलीकॉप्टर्स लगे हैं। ये पूरा ऑपरेशन रावलपिंडी से मॉनिटर कर रहे हैं जनरल बाजवा साहब, और उनके साथ चीनी और तुर्किस्तानी जनरल्स बैठे हुए हैं GHQ रावलपिंडी के ऑफिस रूम में। आदेश मिले हैं कोई भी पाकिस्तान के फौज के MI और मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट का अफसर घर नहीं जाएगा जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। पाकिस्तान का एक अफसर, एक JCO, 7 जवान मारे गए हैं कल तक, और 2 अफसर, 4 JCO, 11 जवान घायल हैं, ठीक है। ये बड़ी बात बता रहा है, फाइटिंग कर रहा है वहां, ये बड़ी जानकारी दे रहा है, लोगों को जानना बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। वो तो लड़ रहे हैं शरेआम। देखिए, जब रूस ने लड़ाई की थी, लोगों ने चार्ज लगाया था यूक्रेन में शरेआम, तो अमेरिका ने सैंक्शन लगाए रूस के ऊपर, व्यक्तिगत सैंक्शन लगाए उनके अफसरों पे, पुतिन वगैरह पे। अब क्या कर रहा है अमेरिका, जब शरेआम वो लड़ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।